हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कपालभाति, पेट को झटका देते हुए श्वास को प्रयास पूर्वक झटके के साथ बाहर छोड़ते हैं। एक सेकेंड में एक बार इस क्रिया को संपन्न करते हुए सामान्य अवस्था में 5 मिनट, 7 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक, और विशेष धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने के बाद आधा घंटा से 1 घंटा पर्यंत आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ सावधानी जरूर रखनी होती है। जब हम कपालभाति आदि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो पेट खाली हो, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद हम करें, और विधि पूर्वक करें, सही तरीके से करें। तो आइए अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। ये आप देख रहे, पेट को झटका देते हुए श्वास को बाहर छोड़ना और सहज रूप से श्वास को अंदर लेना। इस प्रकार पूरे विधि पूर्वक कपालभाति करेंगे। तब सभी भाई बहन कपालभाति प्राणायाम को निरंतरता के साथ, सहजता के साथ, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता के साथ करेंगे, और उसके साथ साथ हम यज्ञ की महिमा के विषय में जानेंगे। लेकिन बीच में प्राणायाम छोड़ेंगे नहीं, थक जाएंगे। कपालभाति करते हैं तो थोड़ी देर भस्त्रिका कर लिया, फिर वापस कपाल, और थक गए तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेंगे। जैसे दाएं हाथ को ऊपर उठाकर दाएं हाथ की अंगूठे से राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट नासिका से लंबा गहरा सांस भरते, फिर राइट से छोड़ देंगे, फिर जिससे छोड़ा उसी से भरना, फिर उसे विपरीत नासिका से छोड़ना, ऐसे आवृत्ति करते रहना। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इसमें एक तो सामान्य, एक विशेष श्वास भरना, तो इसमें छाती को फुलाते हुए पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे और पूरा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम में विशेष है, अपने पूरे के पूरे अस्तित्व, मन मस्तिष्क से लेकर के पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम से लेकर के पूरे सप्त धातु अष्ट चक्र सब को पोषित करने वाला, संतुलित करने वाला और सही बनाने वाला। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम या कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका क्रम पूर्वक आवृत्ति करते हुए निरंतरता के साथ करेंगे, और उसके साथ साथ यज्ञ महिमा के बारे में जानेंगे। इस प्रकार अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि प्राणायामों का अभ्यास निरंतरता के साथ, जैसे हमने ये यज्ञ किया, हवन किया, उसके बाद जो अंगारे बन गए, उन अंगारों के ऊपर ये गुगुल आदि औषधियों को जिस प्रकार हमने रखा है, इस प्रकार गुगुल आदि औषधियों को विशेष रूप से हम अंगारों के ऊपर रखते हैं, और उसकी हल्की हल्की मंद मंद सी धुनी, या फिर यदि रोग विशेष है तो जैसे आप देख रहे डायबिटीज के लिए मधुइष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, धातु क्षीणता आदि के लिए संततिष्टि हवन सामग्री, अस्थमा दमा आदि से संबंधित प्रॉब्लम के लिए श्वासामृत कफेष्टि हवन सामग्री, पित्त रोग के लिए श्वेत चंदन से लेकर के
मानस रोगों के लिए वज का चूर्ण से लेकर के, जिनको हार्ट से संबंधित बीमारी होती है, हृदय से संबंधित बीमारी होती है, उनके लिए हृदयेष्टि हवन सामग्री से लेकर के, जिनको वात रोग है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अनेक प्रकार के अलग अलग जो रोग होते हैं उसमें वातारी हवन सामग्री से लेकर के, और कैंसर या फिर शरीर में कहीं गांठ आदि हो जाता है तो कैंसर नाशी हवन सामग्री, मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम है, सिर दर्द, सर्वाइकल सिर दर्द से लेकर माइग्रेन, डिप्रेशन से लेकर के अलग अलग मस्तिष्क संबंधित बीमार, तो मेधेष्टि से लेकर के चर्म से संबंधित रोग होने से चर्मेष्टि से लेकर के अलग अलग हवन सामग्रियों का हम विशेष रूप से हवन भी करें, और हवन के पश्चात शांत अग्नि के अंगारों के ऊपर, ये देख रहे हैं आप धुनी हो रही है कितनी, इसी प्रकार से हम अंगारों के ऊपर उन द्रव्यों को रखते हैं और मंद मंद से गाय के घी के साथ उस द्रव्य को रख करके उसकी ऐसे धुनी करते हैं, ये आप देख रहे हैं ऐसी धुनी करके, और इस वायु में बैठ करके और फिर योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें। अर्थात यह जो धुआं है, यह धुआं वो पॉल्यूशन नहीं, प्रदूषण नहीं, अपितु यह मेडिकेटेड एयर, औषधीय प्राणवायु। जैसे गूगल हम जला रहे हैं, गूगल में जैसे मैंने कहा, अथर्वेद में कहा, नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुल्गुलोः सुरभिर्गन्तो अश्नुते का, कि जिस व्यक्ति को इस गूगल विशेष की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है उसको ना कोई रोग होता है ना ताप संताप होता है और अशुभ से छूट जाता है और ज्ञान विधि शुभ से युक्त होता है। और ये जो धूम्र उगता है उस धूम्र को हमने विशेष रूप से एनालाइज किया, जब उसको विशेष रूप से एनालाइज किया तो उसके अंदर, ये रिपोर्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं, ये पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक अत्याधुनिक ये विशेष एक तकनीक होती है, गैस को माइक्रो लेवल पर जा करके एनालाइज करने की, उसके माध्यम से हमने एनालाइज किया इस धूम्र को, और इसके अंदर जो गैसें पाई गई, जो मॉलिक्यूल्स पाए गए, जो कंपोनेंट्स पाए गए, ये आप देख रहे 25 से अधिक मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स इस गूगल की ध्वनि के अंदर होते, धूम्र के अंदर। इसके अंदर पॉल्यूशन नहीं, अपितु इसके अंदर जब हमें कैंसर हो जाता है और हम दवाई लेते हैं, जब हमारे शरीर में कहीं दर्द हो जाता है और हम दवाई लेते हैं, जब हमारा न्यूरो सिस्टम डैमेज हो जाता है और हम दवाई लेते हैं, और जब बैक्टीरियल वायरल डिजीज फैलती है उसके लिए जो दवाइयाँ लेते हैं, कहने का अभिप्राय है कि अलग अलग रोगों के लिए जो हम अलग अलग दवाइयाँ लेते हैं और उन दवाइयों के अंदर जो मौजूद कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स तत्व होते हैं वो सारा गैस फॉर्म में इस धुनी के अंदर मौजूद अवस्था में अवेलेबल फॉर्म में उपस्थित होता है, और उसको जब हम लेते हैं और आत्मसात करते तो वो श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वह मेडिकेटेड एयर जाती है, और उसके कारण से हमें तुरंत स्वास्थ्य और आरोग्य हमें प्राप्त होता है। ये गूगल आदि की जो हम ध्वनि करते हैं ये पूरा एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक, एक बहुत बड़ी परंपरा है। हम प्राचीन काल में भी देखें या हम अपने दादा दादी आदि को भी देखें तो प्रतिदिन वो गाय के गोबर के उपले को जला करके उसके ऊपर एक चम्मच गाय का घी, थोड़ा सा गूगल, या इसके साथ साथ और भी जड़ी बूटियाँ आदि को वो अंगारों के ऊपर डाल करके और उसकी धुनी आदि किया करते थे। तो यह कोई एक ढोंग आडंबर पाखंड टोटले आदि नहीं, अभी तो एक संपूर्ण विज्ञान है कि इस प्रकार गूगल आदि का प्रयोग करने पर विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये गूगल आदि आप अंगारों के ऊपर रखें और उसमें बैठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि करें, और जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, यह एक सुपर साइंस है, यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है। जब हम अग्नि के संपर्क में जड़ी बूटियां,
गाय का घी आदि देते हैं, तो ये सारे पदार्थ जब जलते हैं, उसका जब दहन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो उस दौरान यह टूट करके, उसका विखंडन हो करके डिफ्यूज हो जाता है वायुमंडल के अंदर, वो मिल जाता है। और इन जड़ी बूटियों के अंदर जो तत्व है, घी के अंदर जो तत्व है, उसके अंदर जो निहित कारण रूप में औषधीय शक्ति है, सामर्थ है, उस औषधीय शक्ति को, उस औषधीय सामर्थ को भी मल्टीपल कई गुना बढ़ा देता है। वैसे भी वो कई, जैसे गाय का घी है, इस गाय के घी को जब हम यज्ञाग्नि के अंदर आहुत करते हैं, तो इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। उस सैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण इसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के टूटने पर इसके अंदर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। और दूसरा, इस गाय के घी को जलाने पर ये जब जलता है, 1864 गुना वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है गैस फॉर्म में। और जब वह गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है, गैस फॉर्म में आता है, तो उस समय यह घी के अंदर जो औषधीय सामर्थ है, औषधीय शक्ति है, जो रोग निवारक सामर्थ होती है, जो इसके अंदर कारण भूत में निहित है, वो उद्भूत अवस्था में आ जाती है, मल्टीपल कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही जब ये जड़ी बूटियां, उन जड़ी बूटियों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उस समय इन जड़ी बूटियों में भी विशेष करके जब इसकी आहुतियां देते हैं, तो इसके जलने पर ये एक तो नैनो पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसका भी अपने आप में विशेष लाभ होता है। जब नैनो पार्टिकल के अंदर वो कन्वर्ट होती है, तो उसके अंदर निहित जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो रोग निवारक शक्ति सामर्थ्य इसके अंदर कारण रूप में निहित है, वो उद्भूत अवस्था में आ जाती है। इसलिए इसका हम विशेष रूप से जो जड़ी बूटियों का भी प्रयोग करते हैं, वो भी विशेष करके लाभकारी। तो इस प्रकार से ये जो जड़ी बूटियां, उसका भी हम विशेष रूप से जो प्रयोग करते हैं, वो नैनो होते हैं। जैसे अभी मैं इसको देख पा रहा हूँ, छू पा रहा हूँ, हाथ में ले पा रहा हूँ, इस घी को अभी हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, लेकिन जब हम यज्ञाग्नि के अंदर हम इसको आहूत कर देते हैं, उसके पश्चात ना हम इस जड़ी बूटियों को इस प्रकार से छू पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना समिधा को भी हम छू पाते देख पाते हैं, ना हम घी को भी ना देख पाते हैं और ना छू पाते हैं। कहने का अभिप्राय है, घी से लेकर के, सामग्री से लेकर के, सारी चीजों को जो हम देख पा रहे, छू पा रहे, स्थूल अवस्था में है, ठोस रूप में है, द्रव रूप में है हमारे सामने, जब इसको हमने यज्ञाग्नि के अंदर आहूत कर दिया, उसके बाद आप इस घी को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। अर्थात क्या हो गया, ये रूपांतरित हो गई, यज्ञाग्नि के संपर्क में आकर के रूपांतरित हो गए। जब यज्ञाग्नि के अंदर कोई भी द्रव्य जाता है, तो 3 रूपों में रूपांतरित होता है, एक पार्टिकल के रूप में, दूसरा गैस के रूप में, और तीसरा एनर्जी ऊर्जा के रूप में। इन 3 रूपों में रूपांतरित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जब ये 3 रूपों में रूपांतरित कन्वर्ट होता है, तो ये कई गुना बढ़ जाता है। जैसे गैस फॉर्म में गाय का घी है, ये जब गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है, तो 1864 गुना बढ़ जाता है। अर्थात 1 ग्राम गाय का घी यदि आप आहुति देते हैं, तो 1 लीटर 864 ml गैस आपको प्राप्त होती है। ऐसे हर एक द्रव्य का अलग अलग कितनी मात्रा में वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसका अलग अलग नाप होता है। तो ये सारे द्रव्यों की जब हम आहुतियां देते हैं, और इन सबको जब हम आहूत करते हैं, तो रूपांतरित होते हैं, कन्वर्ट होती है नैनो पार्टिकल के रूप में, गैस के रूप में और एनर्जी के रूप में। ये नष्ट नहीं होता है, और वो रूपांतरित होता है, उसको कई गुना बढ़ भी जाता है, और उसके अंदर जो कारण रूप में निहित जो रोग निवारक सामर्थ्य, वो भी कई गुना बढ़ जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष विधा और विद्या, एक नैनो टेक्नोलॉजी है यज्ञ। जिस प्रकार मैंने बताया गाय के घी के विषय में,
ऐसे गाय के घी को भी हमने जला करके उससे जो धुआं होता उसको हमने एनालाइज किया और देखा कि उसके अंदर क्या है। तो उसके अंदर भी 18 प्रकार के मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और उसके अंदर भी वो सारे मॉलिक्यूल्स जो रोग निवारण के रूप में, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए और नैरोग्य के लिए जो उपयोगी होते हैं, वो सारे कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद रहता है। तो यह जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं उसके लिए जो घी का हम प्रयोग करते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और विशेष विधा और विद्या। इसलिए यह जो गाय के घी का प्रयोग यज्ञ के लिए जो मुख्य हवीर द्रव्यों में से एक है गाय का घी, तो उसका भी हम विशेष रूप से इसमें प्रयोग करते हैं गाय के घी का। वो भी बहुत ही वैज्ञानिक और साइंटिफिक रूप से मल्टीपल कई गुना बढ़ता है। यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञाग्नि के अंदर जो हम हव्य द्रव्यों की आहुति देते हैं, वो अग्नि उसको अति सूक्ष्म कर देती है। देखिए, धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, उन सभी पदार्थों में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कोई पदार्थ होता है तो अग्नि होती है। और उस अग्नि के संपर्क में जो भी पदार्थ आता है उसको वो अपने जैसे बना देती है। अर्थात शास्त्रों में कहा, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ, चाहे लकड़ी, संविदा को हमने अग्नि में दिया तो वो लकड़ी भी अग्नि रूप हो जाएगी। घी हमने यज्ञाग्नि के अंदर दिया तो घी भी अग्नि रूप हो जाएगा। जड़ी बूटियों की हमने आहुतियां दी तो जड़ी बूटियां भी अग्नि रूप हो जाएगी। तो यह जो आहुतियां हम देते हैं वह अग्नि रूप, अर्थात कैसी हो जाती है अग्नि, कैसी है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पदार्थ के रूप में। हमारे पास चूना मिट्टी का पत्थर है, ठोस पत्थर है। उस ठोस पत्थर के अंदर हमारे धरती पर तीन रूपों में पदार्थ पाए जाते, ठोस, द्रव और गैस। उस पत्थर के अंदर, ठोस के अंदर कोई ठोस पदार्थ डालना चाहे तो क्या हम डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, उसके अंदर कोई जगह ही नहीं, प्रवेश करा ही नहीं सकते। उसके अंदर कोई द्रव पदार्थ, पानी उसके ऊपर कितना भी डाले, क्या वो पानी उस पत्थर के अंदर जा पाएगा? नहीं जाएगा, जितना भी डालोगे ऊपर से बह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई जगह ही नहीं। गैस, वायु को उसके अंदर डालना चाहो तो क्या डाल सकते? आप कितना भी प्रेशर से उसके ऊपर वो करो, उस पत्थर को कोई असर नहीं होगा, उसे ऊपर से हवा बह जाएगी। ना ठोस, द्रव और गैस उस चूना मिट्टी के पत्थर के अंदर किसी भी चीज को हम प्रवेश नहीं करा सकते। लेकिन धरती पर एक पदार्थ ऐसा है अग्नि, यदि आप उस पत्थर को अग्नि के ऊपर रख दो, अग्नि इतनी सूक्ष्म होती है कि उस पत्थर के अणु परमाणु के अंदर तक, पत्थर के अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पाने की शक्ति, सामर्थ्य इतनी सूक्ष्म होती है। और उसका यह स्वभाव है अंगम नयति अग्नि, के अपने जैसा बना लेती है जो भी उसके संपर्क में आया। उसको हमें जो जड़ी बूटियां, गाय का घी, समीधा आदि की जो हम आहुति दी उसको भी कैसा बना लिया? अपने जैसा, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बना दिया। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर, शक्तिशाली और उसके अंदर जो निहित शक्ति सामर्थ होती वो उद्भूत अवस्था में आ जाती है। इसको कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो यह यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। इस विषय में मैंने आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बात रखी। और नैनो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकतवर और शक्तिशाली पद्धति है, प्रक्रिया है। जिस वर्तमान में गैसों का हम प्रयोग करते हैं, ईंधन का हम प्रयोग करते हैं, उसमें सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली कोई गैस होती है तो हाइड्रोजन गैस होती है। जिस सूर्य का प्रकाश हम ले रहे हैं वह सूर्य के प्रकाश के लिए भी जो वहां पे दहन होता है वो हाइड्रोजन गैस होती है। वो कितनी ताकतवर और शक्तिशाली गैस होती है। लेकिन उसको भी जब हम नैनो करते हैं, अर्थात उसको तोड़ते हैं, तो हाइड्रोजन से हीलियम बन जाता है। वो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली, ताकतवर ईंधन होता है। उस हाइड्रोजन से हीलियम बना, हीलियम को तोड़ते हैं तो लिथियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर। उसको और नैनो करते हैं तो हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम और लिथियम से यूरेनियम बन जाता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली पदार्थ के रूप में हमारे सामने आ जाता है। कि हम उपग्रह के ऊपर जाते हैं, सैटेलाइट को छोड़ते हैं, तो उस समय विशेष रूप से उस ईंधन का प्रयोग करते हैं। और थोड़ी ही मात्रा में वो ईंधन होते हुए भी उपग्रह में वहां ले जाता है, और वहां से वापस ले आ जाने के बाद भी बहुत बार सारा बच जाता है।
इतनी ताकतवर ईंधन के रूप में हुआ था। और वर्तमान में हम जिन वाहनों का प्रयोग करते हैं उसमें थोड़ी सी मात्रा में यदि उस ईंधन का हम प्रयोग करें तो वह जब तक वाहन चले तब तक हमें दोबारा ना डालना पड़े ईंधन, इतनी ताकत इतनी शक्ति उस यूरेनियम के अंदर होती। क्यों? नैनो हुआ। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकल्मिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकल्मिषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। 6 महीने के पीरियड के अंदर मिसेज मेरी 2 बार वेंटिलेटर पे गई, 2 बार वेंटिलेटर पे गई और टोटल 6 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी। उसके बाद उनका सब बहुत सा डायग्नोसिस किया गया, टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में मालूम पड़ा कि इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का D11 D12 जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन बाहर की तरफ ना होके अंदर की तरफ हुआ है जहाँ कैल्शियम रहता है, और वो कैल्शियम को खाना चालू कर दिया था वो इन्फेक्शन ने। उसके वजह से वो कंप्लीट, जब डायग्नोसिस हो गया उसके बाद वो कंप्लीट बेड पे ही चली गई। वो न करवट बदल सकती थी, न करवट, मतलब बिल्कुल श्वास लिया तो भी उनको दर्द होता था, बहुत ही वेदना होती थी। हर आधे घंटे के बाद भी अगर उनको पेन किलर दिया जाता था उसका भी कोई असर नहीं होता था। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, व्याधि थी, वो है कि उनकी किडनी का जो फंक्शन है वो अभी एट प्रेजेंट 29% ही काम कर रहा है। इस कंडीशन में पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यज्ञ को कि उसके वजह से अभी तक वो सिचुएशन तैयार नहीं हुई। टोटल 5 डॉक्टरों की इनके ऊपर टीम काम करती थी, एक तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, दूसरे स्पाइन के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और तीसरे जो डॉक्टर थे इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट, चौथे डॉक्टर थे किडनी के डॉक्टर, पांचवे डॉक्टर थे फिजिशियन। अभी आप सोचिए 5वें डॉक्टर के कितनी दवाइयाँ उनको लगेगी। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी अगर किडनी हमें बचानी है तो सिर्फ 1/4 ही हम डोज उनको दे सकते हैं। और तो मैंने बोला डॉक्टर साहब फिर कितना दिन लगेगा उनको ठीक होने को? बोले देखिए शुक्ला जी, 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको किडनी बचानी है, किडनी बचेगी तो ही तो आगे का काम उनका चालू होगा। तो मैं एक्चुअल 6 महीना तो बिल्कुल मेरी नींद ही उड़ गई थी। ताजी निर्मला भान ने मुझे फ़ोन किया कि भैया बहुत दिनों से आपका सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं आ रहा है, क्या कुछ तबीयत खराब वगैरह है क्या घर में किसकी? तो मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है भान। तो उन्होंने कहा कि आप तो यज्ञ को क्यों नहीं साथ में कराते हो, तो उसका चमत्कारिक लाभ हो सकता है। भान हमारी निर्मला गुप्ता जी दोनों पूरे साहित्य के साथ आए, हवन कुंड, समिधा, घी, हमारे मतलब जो कुछ भी लगता था लेके आए, उन्होंने विधिवत हमें बताया। और उसके बाद से हमने 18 जनवरी से हमने चालू किया और 19 का जनवरी आने तक के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में उन्होंने सब रिपोर्ट देखा, इनको देखा, ये अभी 100% ठीक हो गई है। तो यज्ञ का 1 साल के अंदर इतना बड़ा असर हो गया कि आप सोचिए, डॉक्टर ने कि 4-5 साल में वो ठीक होगी, 1 साल में ही ठीक हो गया। आज की तारीख में वो अपना सब कार्य खुद करती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत,
यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।